पातर। जब यार मैं इंडियन ओशन बोलता हूँ ना, व्हाट्स योर गुड नेम? सुशांत है। सुशांत? यस। सुशांत सिंह राजपूत भाई। मैं जसरिया जी के घर के अंदर से हूँ यार। जसरिया ठाकुर इंडियन हॉल कॉर्पोरेशन। कुछ ऐसा नजारा। आपने एक चीज नोटिस की भाई, आप देखो जितनी गाड़ियां, कोई भी यार स्टार्ट करता है ना तो ऐसे ही स्टार्ट करता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ मिर्शा में और मैंने हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है। यार मिर्शा में मैंने जो चीज़ें सोची थी यार वो हुई नहीं। इट मीन्स ना मैं आपको सनसेट दिखा पाया। मैंने सोचा था यार सनसेट देखूँगा समुद्र के पास, वो भी नहीं दिखा पाया। सनराइज़ वो भी नहीं दिखा पाया। रीज़न क्लाउड। यार मौसम ने ना यहाँ ऐसी की तैसी कर रखी है, कब बारिश हो जाए कब धूप हो जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सेकंड यार मैं सोच रहा था कि मिर्शा के लोगों से मिलकर या यहाँ के लोकल जो फिशरमैन हैं उनके साथ मैं जाऊँ समुद्र में, बट यार वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। बता रहे हैं कि पानी बहुत ऊपर है, इसलिए काफ़ी फिशरमैन जो हैं वो यहीं पर फिशिंग कर रहे हैं। क्या हुआ यार, फिलहाल तो यार उधर है अपना गोल और इधर मात्रा। कुछ ऐसी शौक है एक बार की यार, बहुत गर्मी लगी हुई है तो कुछ ठंडा ठंडा पी लेते हैं तो चलते हैं। आप ये है कोक, 400 ml कोक के मैंने दिए हैं 150 लंकन रुपीस, इट मीन्स अप्रॉक्स 40-45 रुपीस। तो नॉट बैड यार। बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जा रहा हूँ मात्रा। और मे भी तो बस वाले भाई साहब अगर रोक दो तो बस बस का काम कर। भाई बस मिल रही है अपने को मात्रा के लिए। मात्रा के लिए मुझे पे करना पड़ा 100 लंकन रुपीज़, ठीक है यार अप्रॉक्स 20 रुपये पड़े इंडियन। भाई यार मैं कल तक मतारा जानता था और अभी आज तक मैं मात्रा बोलता था और मैम बता रही है पातर। ओके थैंक यू। इंडिया। I didn't make it now. तो भाई आ गए हैं मात्रा बस स्टैंड पर। एक बात तो है यार, श्रीलंका की सड़कों ने तो अभी तक यार जादू कर रखा है। तो यार देख रहे हैं इंडियन ओशन। जब यार मैं इंडियन ओशन बोलता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील आता है अंदर से। एंड व्हाट इज दिस इज मैंगो। हाउ मच? 160 50 प्लीज गिव मी वन ग्लास। वन ग्लास।
तो भाई ये अपने यहाँ के कुछ मौसमी जूस हैं यार, पी लेते हैं कुछ। क्या कहते हैं यार, डिहाइड्रेशन लेवल मेरा ठीक रहेगा। डिहाइड्रेशन लेवल अभी यार इतनी मुसीबत तो नहीं हुई, मैं इतना सर्वाइव कर रहा हूँ यार, बस ऐसे पी ले रहा हूँ। जस्ट जोकिंग यार। इट्स अ लेमन और ऑरेंज? लेमन विक्लम। विक्लम इट्स अ श्रीलंकन नेम। भाई यार प्यास लगी है, थोड़ा थोड़ा पीने का मन नहीं यार, दबाग बर्फ पड़ी हुई है यार। कुछ भी कहो यार, ताजगी इतनी आ गई जितना कोक पीने में नहीं आई थी यार, मजा आ गया। क्या कहते हैं उसको, झन्नाटेदार था। चल रहे भाई के साथ, भाई का ये गाड़ी का नंबर है। व्हाट्स योर गुड नेम? सुशांत है। सुशांत? यस यार, सुशांत सिंह राजपूत। 1000 लंकन रुपीस। ओके, ये हमको ले जा रहे हैं सनत जयसूर्या के घर पर। सनत जयसूर्या होम। देखते हैं यार सनत जयसूर्या का घर कैसा है, वो वहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। भाई को थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है, हाँ बड़ी ताजुब हो रही है। यू स्पीक हिंदी राइट? अंडरस्टैंड हिंदी? भाई हिंदी बोल नहीं पाते हैं, बट सुशांत भाई जो है ना वो समझ लेते हैं। राइट? तो हम लोग इस समय हैं जयसूर्या जी के घर पे। ये है जयसूर्या जी के घर, यहाँ से लेके वहाँ तक। सनत जयसूर्या यार, ये नाम किसको नहीं मालूम होगा यार। वनडे क्रिकेट में जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो तेज़ी से रन बनाने की शैली, वो यार सनत जयसूर्या और श्रीलंकन टीम की देन है। जो भाई श्रीलंकन टीम को जब वर्ल्ड कप जीता था उस समय से क्रिकेट देख रहे होंगे, उनको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि 15 ओवर में 100 रन बनाने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था, वहीं से क्रिकेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा जो शुरुआती ओवरों में रन बनाने का। और वो दौर था 1996 आई थिंक, और उस समय थे कैप्टन अर्जुन रणतुंगा, और अर्जुन रणतुंगा जी के कप्तानी में ही जीती थी श्रीलंका वर्ल्ड कप। जयसूर्या जी का खेल तो एकदम अमेजिंग था उस वर्ल्ड कप में, पूरा उन्होंने सारी टीमों के चुंगे हिलाती थी यार। जयसूर्या जी हिंदी? यू स्पीक हिंदी? आई एम तमिल। ओह तमिल। फ्रॉम इंडिया? नो, फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका। जयसूर्या जी अब यहाँ नहीं रहते? जयसूर्या आइए कथा करना है। जयसूर्या ब्रदर। ओके, तो भाई जयसूर्या जी के भाई, सगे भाई। यार जयसूर्या जी के सगे भाई आ रहे हैं। आई कैन कम? भाई मैं जयसूर्या जी के घर के अंदर से हूँ यार, इतने ग्रेटफुल, थैंक यू। नो तमिल, कंज्यूम कंज्यूम। मिस्टर जयसूर्या डोंट लिव हियर, जयसूर्या डोंट लिव हियर, ही लिव कोलंबो, कोलंबो ऑलवेज। ओ एंड जयसूर्या ब्रदर लिव हियर, व्हाट्स गुड नेम जयसूर्या ब्रदर? चंदन जयसूर्या। भाई चंदन नाउ वेयर? I am coming from India, so I wish to meet. Chandra Jaisuria and daughter. Jaisuria daughter? No, no. India. Chennai, Madras. No, no, no. UP. 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 Yeah, Uttar Pradesh. Nandri. Okay, thank you. Nandri. तो भाई ये था जयसूर्या जी के घर पर। जयसूर्या जी की बेटी जो है बता रहे थे सो रही हैं, और
उनके भाई जो हैं वो कहीं गए हुए हैं इस टाउन के बाहर, उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई है, बट यार उनके घर पे जाके बड़ा ग्रेटफुल फीलिंग आ रही थी। यार चल रहे हैं पेट्रोल स्टेशन पे, हेलो इंडिया, यस यस आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया कंपनी, ओह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लंका आईओसी। ओ भाई तो ये तो इंडियन कंपनी है यार, 318 रुपये पर लीटर, इट मीन्स अप्रॉक्स 90 रुपीज़ पर लीटर INR हो गया यार। एट नाउ नो लिमिट पेट्रोल डीजल अनलिमिटेड, क्यूआर लिमिट लिमिट लिमिट, हाउ मेनी लीटर्स इन क्यूआर, टुक टुक 14 लीटर मिलते हैं भाई, और कार में 40 लीटर मिलते हैं, अब समझा भाई। वन वीक फिलहाल यार श्रीलंका बहुत स्ट्रगल किया है यार, 14 लीटर केवल टुक टुक को, मतलब इट मीन्स ऑटो को, और कार को मिलते हैं 40 लीटर। जब देश में कुछ दिक्कतें रहती हैं यार तो सबको झेलना पड़ता है भाई, सबको QR कोड मिला हुआ है स्कैनर से, स्कैन करके इनको देते हैं कि आपको आपका जो वीक लिमिट है इट मीन्स 14 लीटर का टुक टुक को और 40 लीटर जो कार का, वो आप स्कैन करके ही मालूम चल जाएगा कि आपने कितने लीटर ले चुके हैं। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट भी सोच रही है यार कि विदेशी मुद्रा मेरी बाहर ना जाए, क्योंकि जो तेल है गैस है उन सब चीज़ों को खरीदने के लिए चाहिए होती है विदेशी मुद्रा। किसी भी देश की स्थिति सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार पर डिपेंड करती है। टुक टुक से सफर करने में मजे बड़े आ रहे भाई। भाई यहाँ लेने पड़ते हैं टिकट, जो कि है एंट्रेंस टिकट, वेरेना। तो ये है जो कि 500 लंकन रुपीज का है। तो यार इसको एक बार हमने ले लिया है। बिगेस्ट बुद्धा टेम्पल है लोग नीचे थे फिनिशिंग यार, चारों तरफ देख रहे हो आप, केवल ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है यार। मैं आ गया हूँ नीचे, कुछ ऐसा है, अच्छा लगा भाई, थैंक यू थैंक यू। तो भाई ये हो गई स्टार्ट अपनी ऑटो। आपने एक चीज़ नोटिस की भाई, आप देखो जितनी गाड़ियाँ पार्क हुई है ना सब वाइट लाइन के उस साइड पार्क हुई हैं। तो यार रूल्स के मामले में श्रीलंका ने यार बहुत सही से जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं भाई। तो भाई ये है जयसूर्या जी का ग्राउंड। तो मिस्टर सनत जयसूर्या सर जब स्टार्टिंग में यहाँ प्रैक्टिस किया करते थे, और जो घर मैंने आपको दिखाया अभी वहाँ पर वो रहते थे और यहीं पर प्रैक्टिस करने आते थे सनत जयसूर्या सर। और स्कूल के बॉयज लड़के जो हैं स्कूली वो लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी यार स्टार्ट करता है ना तो ऐसे ही स्टार्ट करता है, कोई एकाएक न MS धोनी सर बन सकते हैं न ही जयसूर्या सर बन सकते हैं। और जयसूर्या सर की तो बात ही अलग है यार, मैं जयसूर्या सर का क्रिकेट मैंने बहुत देखा हुआ है। फिलहाल तो यहाँ बहुत से छोटे छोटे जयसूर्या दिख रहे हैं। और इसी के साथ यार
मैं सुबह सुबह यार हॉस्टल से निकला आज और चला आया मात्रा, और मात्रा में मैंने आपको दिखाया सनत जयसूर्या जी का घर, एक बुद्धिस्ट टेम्पल, बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल था वरंगामा, और ये है सनत जयसूर्या जी का ग्राउंड। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपने श्रीलंका टूर में बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं जाऊंगा श्रीलंका के सेंट्रल श्रीलंका में, इस समय हूँ श्रीलंका के साउथ श्रीलंका में, और मैं वहाँ देखूंगा रामायण से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस बाय बाय।